आज मैं आपको समीक्षा पोर्टल पर स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने स्कूल के क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने टॉप पे 3 डॉट्स आएंगे, इन पे आपने क्लिक करना है। सो गाइस, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स शो होंगे। यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स पर क्लिक करना है। स्टूडेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स की जो भी डिटेल है उसको फिल करना है। जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ से आपने, उसके बाद पेरेंटेज लिखनी है, मदर नेम लिखना है, DOB लिखनी है, ईमेल अगर है तो लिखनी है, उसके बाद कैटेगरी लिखनी है, क्लास यहाँ से आपने ड्रॉपडाउन से किस क्लास का स्टूडेंट है वो आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद रिलीजन क्या है बच्चे का वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिसेबिलिटी टाइप क्या है वो आपने सेलेक्ट करनी है, उसके बाद एड्रेस बच्चे का यहाँ पर आपने वो फिल करना है, उसके बाद आधार नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, बैंक का नाम लिखना है जिस बैंक में अकाउंट नंबर है, फ़ोन नंबर लिखना है अगर है फ़ोन नंबर तो, फ़ोन नंबर लिखना नहीं है तो उसको छोड़ देना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्कूल का ID होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपने पासवर्ड लिखना है, वही पासवर्ड जिससे आपने लॉगिन किया है, और उसके बाद नीचे सबमिट का बटन आएगा, इस सबमिट के बटन पर आपने क्लिक करना है तो आपके जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी डिटेल शो हो जाएगी जो जितने भी आपके स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं किए हैं आपने। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर आते जाएंगे, हर 10 एंट्रीज के बाद नया पेज आता जाएगा, तो जो आप लेटेस्ट एंट्री कर रहे हैं वो क्लास वाइज आपको शो होती जाएगी, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर जाके। तो गाइस, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।